हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7, ठीक है। और मैंने जो है ना लगभग 6:45 पे ही जोमेटो लॉग इन कर लिया है, ठीक है। और बाकी देखते हैं कितना क्या हो पाता है। तो गाइस अभी जो है ना मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, घर में वेट कर रहा था। काफ़ी बार क्या होता है ना, घर से ही ऑर्डर मिल जाता है, जोमेटो में इतनी मतलब इसकी क्रेज़ हो जाती है कभी कभी, और अभी तक तो मिला नहीं है। और देखते हैं, चलो नियरेस्ट 2-3 रेस्टोरेंट से हो रहा है मुझे, बट पता नहीं भाई ऑर्डर बजेगा या नहीं। और सुबह निकलने का रीज़न ये है कि अभी से मैं लगभग 11 बजे तक करूँगा, 10-11 बजे तक, क्योंकि भाई बाइक की ज़रूरत घर में सभी को होती है। इसी कारण से अगर भाई को ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो लेके जाएगा ना, इसीलिए फिर मैं शाम को फिर निकलूँगा गाइस 3-4 बजे के आसपास। तो चलो देखते हैं पहले ऑर्डर कब तक आता है। चलो गाइस आज का पहला ऑर्डर आ गया, 20+6 दिखा रहा है, लेट्स गो। ओ भाई साहब देखो इसमें भी ऑर्डर भाई कैंसिल होती है यार, ये बताओ इसमें भी ऑर्डर कैंसिल होती है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। होती है ऐसा बात नहीं, पहले भी हुआ है, बट ये तो गलत बात है यार। बताओ यार इसका पेमेंट भी कुछ नहीं देगा। अच्छा गाइस अभी मेरे को पता चला, अभी मैंने यहाँ पे नोटिस किया स्क्रीनशॉट में कि ये फार्मा की मतलब मेडिकल शॉप की कुछ ऑर्डर थी, ठीक है, हो सकता है मेडिसिन वगैरह हो, तो अभी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। चलो कोई नहीं, इसमें मैं समझ रहा हूँ कि अब धीरे धीरे मेडिसिन वगैरह भी ऐड हो रहा है। चलो गाइस दूसरी ऑर्डर आ गई, 1.8 पिकअप 3.0 ड्रॉप है, 37 रुपये और 11+ दे रही है। वाह भाई क्या लोच है भाई, यहाँ पे एड्रेस तो कुछ और दे रखा है, लोकेशन कुछ और। कोई नहीं चलो, जब कुछ और ही है तो भैया हम कुछ और ही लोकेशन पे जाएंगे ना, लेट्स गो गाइस। 3.1 ड्रॉप, ये हमारा आज का जो है ना ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसको करते हैं डिलीवर मार्क, रेटिंग दे देते हैं, बस देखता हूँ कितना मिलता है, दिखा जल्दी से। 48 रुपीज़ मिला, ओके। डिस्टेंस था 4.9 किलोमीटर। देखो भाई नेक्स्ट भी आ गई मेरे को तुरंत ही, 36 रुपये 10 रुपये सच पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया। ये मिल गई गाइस, इसमें भाई डोसा है, मेरे को पता था डोसा तो आएगा ही आएगा, कुछ आए चना है डोसा ज़रूर आएगा इस टाइम पे ना, सबसे ज़्यादा चलने वाला चीज़ है भाई डोसा। और बागुहट्टी में ग्रेस नाम करके एक रेस्टोरेंट है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसका भाई सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, उसका साउथ इंडियन, फिर ये केशवपुर में भाई शाही जलपान, ये तीन जो है ना इस एरिया का डॉन है भाई डॉन। जा भाई चैन स्लिप हो गई हमारी, देख लो भाई ये लिफ्ट के चक्कर में हमें फंसा, यही होती है भाई फूड डिलीवरी में। अब ये फ्लोर पे जाओ उसके बाद दो, सबसे इरिटेटिंग वाला काम। बाय द वे रेस्टोरेंट तो वो जल्दी जल्दी हमें मतलब पिक करने को दे दे रहा है मौका, नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इतना देर वेट करना पड़ता है ना, माथा ख़राब हो जाता है भाई। और इस बार तो भाई जल्दी जल्दी हो रही है। अभी क्या तो चलो ये 46 की राइड होगी कंप्लीट, 4.3 किलोमीटर। नेक्स्ट ये देखो ताली बजा रहा है भाई जोमेटो, ठीक है, ग्रेट जॉब, यू विल बिकम डायमंड प्लेयर। अरे भाई साहब ये देखो क्या कर दिया, पिकअप इतनी लंबी दे दी है ना, मतलब वही शाही जलपान जहाँ से अभी लेके आया था ऑर्डर। चलो कोई नहीं, ये देखो भाई ये शॉर्ट लिस्ट सेक्टर 2 का दे दिया भाई। क्या ले चाहे भाई, चलो पिक कर देते हैं। अब ये धीरे धीरे मेरे को कितना घुमाएगा, चलो कोई नहीं, बस ऑर्डर मिलना चाहिए, फिर वहाँ से तो मिलेगा नहीं मेरे को, बट अपन देखेंगे क्या किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है ना, देखो हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह कैमरा खोल रहा हूँ फिर लगा रहा हूँ, ये भी एक इरिटेटिंग है मेरे लिए। ये देखो ऐसे यहाँ से खोला फिर यहीं पे लगा रहा हूँ। चलो इस राइड को भी कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है, कष्टपुर खाल लेकर के निकल जाएंगे अपन। चलो चलते हैं
और नाश्ते में आज बंदे को पोहा खिलाते हैं। लेट्स गो। ए गाड़ी स्टार्ट कर। हो गए गाइस 44.99 की ये राइड कंप्लीट। अब मेरे को पहले पेट्रोल भरना पड़ेगा। यार लिखा नहीं था, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि जाना किधर है। चलो आई हैव ए बैग। अरे यार ये तो सेंसेटिव प्रोडक्ट दे दिया यार ऑर्डर मेरे को। अभी देखो पेट्रोल भरा रहा था। आई डोंट हैव बैग। आई विल हैंडल पैकेज केयरफुल्ली। क्या करूँ यार, ये सेंसेटिव दे दिया है मेरे को थोड़ी सी आइटम। आई डोंट हैव बैग। सब में टिक मारना पड़ेगा तब जा करके होगा, बट यहाँ पे आई डोंट हैव बैग कर देता हूँ। रीअसाइन कर देता हूँ। बहुत लंबी वाली ऑर्डर मिल गई थी मेरे को, बट इसको स्किप करना पड़ा मेरे को। सॉरी जोमेटो, नहीं करना चाह रहा था भाई। बहुत लंबी वाली 98 रुपीस की राइड मिल गई थी मेरे को। रॉय पिज्जा। अरे कहना क्या चाहते हो? पिज्जा हाउस। मुझे जो है ना, काफी सारे बंदे ने बोला था कि अगर जोन से बाहर लेके चला जाए जोमेटो या स्विगी, ठीक है, तो आप वेट कर लेना, क्योंकि अगर वेट नहीं करोगे ना तो फिर फालतू का आपका गाड़ी चलेगा, आपको आप जोन में आ जाओगे, ठीक है, तो आपके जगह जो बंदा वहां पे जोन से बाहर होगा उसको वो राइड चला जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप जोन से बाहर होते हो तो भाई वेट कर लो, ठीक है। वैसे भी मैं भी करता भी था पहले, और देखते हैं, मैं जोन से बाहर ही हूँ, ठीक है, ज़्यादा भी बाहर नहीं हूँ लेकिन बाहर हूँ। अब देखते हैं ऑर्डर कब तक आता है। मिला तो था बहुत तगड़ी वाली ऑर्डर, बट भाई नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वो मेरे को लगता है पिज्ज़ा विज़ा होगा, तो इसीलिए सेंसिटिव बोल दिया। पिज़्ज़ा में भी सेंसिटिव होने लगी, मतलब होती है, ऐसा बात नहीं है। गाइस आप में से दो बंदे ना, जो एक है उबराउद्दीन मोल्ला, ठीक है, और एक बंदे हैं सैकत दत्तो, ये दोनों जो गाइस है ना, इन दोनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दोनों ना राइड को स्टार्ट करो यार। आप लोग ने रेफर ज्वाइन कर लिया था बट स्टार्ट नहीं किया। देखो अगर स्टार्ट नहीं करोगे ना तो आपको ज्वाइनिंग बोनस जो है ना वो 600 रुपीज़ वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काइंडली यार ज्वाइन करो, और मतलब ज्वाइन कर लियो उसको, स्टार्ट करो राइड को। बाकी अगर किसी को भी ओला उबेर रैपिडो किसी में ज्वाइन करना है तो उबेर की भाई इंसेंटिव 600 रुपीज़ की है, तो मैंने लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में। तो काइंडली यार उससे आप ज्वाइन करो, आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगी, ठीक है। और बाकी ये दोनों भाई जो थे सैकत दत्ता और उलाउद्दीन मोल्ला, ये दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार राइड कंटिन्यू करो आप लोग, ठीक है। 30 राइड करो, उसके बाद करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, इंसेंटिव तो अपना उठा लो, ठीक है। गाइस जो यार देखो, मेरे को जोन से बाहर था ना तो मेरे को भाई साइन आउट करवा दिया। चलो जल्दी से जोन में भागते हैं। मैंने जोन तो लॉगिन कर लिया, फिर से लॉगिन कर लिया, बट जोन से बाहर भेज दिया भाई मेरे को, मतलब लॉग आउट कर दिया अपने आप। जल्दी से जोन में जाना पड़ेगा। यार क्या हो गई बताओ यार, राइड नहीं दे रहा अब, मतलब ऑर्डर नहीं दे रहा। मैं राइड क्यों बोलता हूँ हमेशा। अब तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, 8:50 हो गए, एक जो मैंने स्किप किया बस अब नहीं मिल रही। उबेर वाला सिस्टम तो है नहीं कि स्किप करने पर राइड नहीं देगा। देखते हैं भाई, शायद आसपास में रेस्टोरेंट नहीं है इसी कारण से। ये देखो गाइस, अभी मैं ब्लू था और अब मेरे को डायमंड पार्टनर बना दिया गया है। आज मैंने ऑर्डर किया इसलिए मेरे को डायमंड बना दिया गया है, अदरवाइज़ ये मेरे को तुरंत ही जो है ना पीछे कर देगा, ठीक है। और देखता हूँ, पॉकेट मनी तो बढ़ाया नहीं, उसके बाद ऑर्डर भी नहीं दे रहा भाई। नहीं चलो, काफ़ी देर के बाद ऑर्डर आया, 41 रुपये 9 पैसे पिकअप और मतलब प्लस, और सर्ज में दे रहा 8 रुपये 38 पैसे। चलो भाई एक्सेप्ट करते हैं। ऑन ऑनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट, वो आप भाई साहब ये पास में लग रहा है। चलो गाइस, इस राइड के मेरे को 50 रुपये 26 पैसे मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस, एक अपडेट है उबेर से रिलेटेड। अभी तक जो उबेर जो कमीशन लेता था ना वो 11 रुपीज़ पर डे लेता था, बट यहाँ पे आज मेरे को नोटिफिकेशन आया, स्टार्ट जो है वो 20 तारीख से हो रही है, मतलब कल से, ठीक है, ट्यूसडे से। यहाँ पे लिखा है एट ए डेली फी ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है, स्टार्ट डेट 20 फरवरी, डेली फी विल बी चेंज्ड
ओनली व्हेन यू टेक एटलीस्ट वन ट्रिप, अगर एक भी ट्रिप आप लेते हो तो आपको 20 रुपये का पेमेंट लगेगा, ठीक है। मतलब दिन भर आप जितना भी राइड करो आपको 20 रुपये नेक्स्ट डे कटेंगे। इससे पहले जितना कटता था वो 11 रुपीस का कटता था, ठीक है, बट अब 9 रुपये और इंक्रीज कर दिया गया है। चलो कोई नहीं, 20 रुपये भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। देखो गाइस, यही है फूड में सबसे बड़ी लोचा। अभी मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में फिर से मेरे को राइड आया था, तो मैं रघुनाथपुर से उठा करके, ठीक है, उसको सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में ड्रॉप किया हूँ। एंड ड्रॉप करने के बाद गाइस देखो, अभी मैं घूम करके फिर वापस जा रहा हूँ। अब मेरे को फिर से कष्टपुर जोन में ढुकना पड़ेगा, तभी तो होगा। अब बताओ, अब फूड डिलीवरी आप लोग बोलते हो। देखो ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर अभी हमें मिलेगी, बिकॉज हमने काफ़ी टाइम के बाद लगभग 6 महीने के बाद हमने लॉगिन किया है जोमेटो, ठीक है, तो अभी हमें ऑर्डर मिलेगी ठीक ठाक। लेकिन यही है कि घूम फिर के वापस से वहीं जाना पड़ता है, और कुछ नहीं। ये देखो गाइस, भैया करते हैं रॉयल इनफील्ड में TFI 350 की सीसी इनकी बाइक है। भाई बताओ कितनी की माइलेज, 35-37 की माइलेज देती है। भैया इसमें करते हैं ओला उबर रैपिडो। देखो भाई, जिसको जो मिलता है उसी में लगे हैं, इनको राइड नहीं मिल रही अभी, ठीक है। रैपिडो से ये भी नफरत करते हैं, बाकी उबेर से प्यार करते हैं, और ओला से इनको बता दिया थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। बाकी यार इसमें क्या होने वाला है, अगर इस गाड़ी से अगर रैपिडो किया जाए ना, तो गारंटी के साथ बोलो इनको पॉकेट से पैसे भरने पड़ेंगे। भैया बोल रहे कि मैं रैपिडो नहीं करता, क्योंकि रैपिडो का प्राइस आप लोगों को पता ही है, 4.5 रुपये किलोमीटर मिलता है। और बाकी देख लो रॉयल इनफील्ड, अभी एक स्कूटी और सब्सक्राइबर मिला था, ठीक है, स्कूटी वाला, तो उसका भी वही सेम हाल है। 2 ऑर्डर मारे हैं सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक, बेलास है, और इनका भी सेम है भाई, 2 ऑर्डर ही मारे हैं सुबह से, और ये सिर्फ मॉर्निंग टाइम में करते हैं। हाँ फोटो से देख पता चल गया, चल रहा है। अच्छा ये देख लो गाइस, ओला की स्कूटी, जिसके बारे में आप लोग को काफी वीडियो बना के दे चुका हूँ। अभी राइट पे है क्या? नहीं। अच्छा वो बैठे हुए हैं, हाँ चलिए ठीक है, सेक्टर 5। हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्कूटी है तो फिर टेंशन ही क्या है। देख रहे हो, निकल गए भैया S1 Air लेकर के। आज आप लोग काफ़ी सारे बंदे मिल रहे हो, अच्छा लग रहा है मिल करके भाई। वो राइड पे थे, नहीं तो थोड़ी और डिस्कस कर लेता स्कूटी बारे में, बट कोई नहीं, चलो कल आई थिंक अपना भी डिलीवर होने वाली है, ठीक है। क्या नाम? मेरा है एस कुमार ब्लॉग। तो गाइस ऑर्डर लेके निकल पड़ा हूँ, और थोड़ी सी जो है ना डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, 750 मीटर्स ऐसा समझ लो, 750-800 मीटर आप पकड़ सकते हो। तो अभी भाई निकल रहा हूँ, जाता हूँ पिक ड्रॉप करने के लिए। देखो ऑर्डर जो अच्छी खासी मिल रही थी, बट अभी जब मैं शॉर्टली का लास्ट वाला जो कंप्लीट किया ना, उसके बाद राइड नहीं मिल रही थी, मतलब ऑर्डर नहीं मिल रही थी, राइड बार बार बोल रहा हूँ, राइड नहीं मिल रही थी, ठीक है। लगभग 45 मिनट मैंने वेट किया, और उसके बाद फाइनली मेरा वो सब्सक्राइबर लोग भी आ गए थे, बातचीत कर रहा था सभी से भाई, और उस चक्कर में क्या हो गया ना, मैं बताता हूँ, गिग बुक करना ही भूल गया 11 से 12 वाली। अब 11 से 12 बुक नहीं कर सकता, क्योंकि 11:10 हो गया, मैंने तो अभी देखा कि भाई गिग करना ही भूल गया हूँ, अब तो ये दिक्कत हो गई। अब 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का है, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अब 1 घंटा भी इस ऑर्डर को लगा नहीं सकता मैं, और कंपनी मेरे को लॉगिन रहने नहीं देगा इसको डिलीवर करने के बाद। अब देखता हूँ क्या होता है, अगर लॉगिन रहने दिया तो मैं 12 बजे से 2 बजे का भी ऑन कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, जल्दी निकला बिकॉज मेरे को ऑर्डर करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अर्निंग में दिखा पाऊँ, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के कमेंट के हिसाब से मैं काम करता हूँ, आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि चलो खास करके बम्बा चक्रवर्ती लाइक तो करना बनता है आपको, और बाकी सभी का रिक्वेस्ट भी था, इसलिए मैं जो है ये इमेज पूल लगाता हूँ, आप लोग सजेस्ट करो भैया आप लोग किस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हो, ठीक है, इसी कारण से। बाकी देखता हूँ, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई मैं बंद कर दूँगा आईडी को ये पर। अरे भाई कहाँ कीचड़ में ढुका दिया गाड़ी, क्या बाबा सी रही है। ये देखो गाइस, ये हमारा 20 रुपये का छोटा सा ट्रिप था, ठीक है, लेकिन इसमें से 42 मिला, क्योंकि कस्टमर ने मेरे को 20 रुपये टिप दिया है, और ओवरऑल डिस्टेंस 3 किलोमीटर। ये दिखा तो ये पे आउट में गया, ठीक है, 325 हो गया और 20 रुपये टिप। चलो
एक इसमें फैसिलिटी दिखाता हूँ, अगर कोई बंदा आपको टिप देता है ना तो वो आपके यहाँ पे वॉलेट में शो करता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो फीडबैक फीड का ऑप्शन है, फिर पे आउट, फिर गिग, फिर पॉकेट, देन पॉकेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टिप बैलेंस दिखेगा, तो इस पर ही आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा, ये देखो विड्रॉल पे क्लिक करोगे देन तुरंत आपका विड्रॉल हो जाएगा, देखो मेरा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके बैंक में इंस्टेंट चला जाएगा विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर, तो ऐसे स्टेप फॉलो कर सकते हो। बाकी कंपनी ने तो मेरे को तो लॉग आउट कर दिया, ये देखो लॉग आउट कर दिया भाई। चलो देखते हैं क्या किया जाए। अभी देख लो गाइस 11:21 हो रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट रुक करके गिग बुक करके लॉगिन कर लेता हूँ, लेकिन फिर हमें आधा घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि आधा घंटा पहले ऑर्डर देगा नहीं गिग, कितना भी बुक कर लूँ कितना भी 15 मिनट पहले लॉगिन कर लूँ ऑर्डर पहले नहीं देता। बाकी देखते हैं क्या किया जाए। चलो देखो कैमरे की बैटरी डाउन हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं कर सकता, मैं गिग बुक कर लेता हूँ 2 बजे तक। ऐसे 4:30 हो चुका है, 2 घंटा और करूँगा 6:30, ठीक है। बस उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। और अभी तक मैंने 6 ऑर्डर किया है, टोटल इसकी अर्निंग 325 रुपये की हुई है और 20 रुपये कस्टमर का टिप, तो 345 रुपये। तो देखते हैं, अभी गिग बुक कर लेता हूँ और पूरा तो ऑर्डर नहीं दिखा पाऊँगा ना, तो इसलिए कट कट करके ही देखो भाई। चलो गाइस हमने बुकिंग कर लिया गिग को 12 से 2 के, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो हाथ में समय है अभी 27 हो रहा है, तो ओवरऑल मैं 15 मिनट हमें वेट करना है, 15 मिनट के बाद मैं लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। तो चलो हम 15 मिनट वेट कर लेते हैं। देख लो गाइस 11:45, चलो अब हम करते हैं लॉगिन। ये डन, खुल जा सिम सिम, सेल्फी मांग रहा है भाई, बिना सेल्फी का ये मानेगा नहीं भाई। हमें टी शर्ट बैग कुछ भी नहीं लेके आया हूँ, चलो इसको इग्नोर करते हुए दे देते हैं भैया। मेरा बिना फ़ोटो का ही लॉगिन कर दिया मुझे, फिर मांग रहा है कितनी बार सेल्फी लेगा रे। चलो गाइस पूरा 12 बजे मेरे को एक राइड मिल गई, मतलब ऑर्डर मिल गया, सॉरी मैं बार बार राइड बोलता हूँ। अरे यार ले ले स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं ले रहा भाई, ऐसे लेना पड़ेगा। 31 रुपीज़ का है छोटा सा ऑर्डर, एक्सेप्ट। चलो पिक करते हैं। देखो आज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आइटम स्टॉक नहीं हो ना तो यहाँ से ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, हेल्प, लाइव ऑर्डर स्टेटस, आइटम नॉट स्टॉक, रीच कॉल। हेलो बात कर लीजिए, हेल्प सपोर्ट से बात कर लीजिए। ऑर्डर तो बहुत डूब रहा है, फिर कैसे एक्सेप्ट करोगे? हो गया कैंसिल? तब अभी सारा ऑर्डर को रिजाइन कर रहे हो, सारा ऑर्डर रिजेक्ट कर रहे हो तब अभी? अरे अकाउंट जो आया ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा नहीं आ गया, रिसीव को लेकर तो रिजेक्ट नहीं करते, ये अकाउंट आया तो रिजेक्ट मार दिया। अच्छा मतलब असाइन होने पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। लो भैया आज मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑर्डर को जो है ना कैंसिल करना पड़ रहा है, मेरे तरफ से नहीं वो रेस्टोरेंट की तरफ से कैंसिल होगा, ऑर्डर इनके पास स्टॉक ही नहीं है। चलो देखते हैं, बस हेल्प सपोर्ट जल्दी से मेरा हेल्प कर दे, कॉल पे तो हूँ, रेस्टोरेंट वाले बात कर रहे हैं। वेज रोल 30, आलू रोल 35, यहाँ बताओ मेरा, हमारा आधा घंटा यहीं हमारा बर्बाद हो गया, 12:30 अगर पता रहता पहले से तो मैं पहले ही कर देता। जी सर बोलिए। जी सर हमने रेस्टोरेंट से कनेक्ट कर लिया सर, रेस्टोरेंट कह रहे हैं कॉम्बो की रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑर्डर डिस्पैच ही नहीं कर पाएंगे। ओके सर। ओके इसके रिगार्डिंग आपका ऑर्डर कैंसिल किया गया, और कुछ ज्यादा सर? ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए और कुछ नहीं सर। और सर इसका कुछ पेमेंट वगैरह तो ऐड होगा ना? जी आप जितना एलिजिबल होते हैं ऑर्डर रिलेटेड उसके रिगार्डिंग आपको पे आउट मिलता है सर। ओके सर। ओके ओके ठीक है सर।
जी धन्यवाद सर, दी गई जानकारी से आप अगर संतुष्ट होंगे सर, रेटिंग करना ना भूलें। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सर, हैव अ गुड टाइम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, कैन डिस्कनेक्ट योर कॉल। चलो गाइस, तो ऑर्डर हमारा ये कैंसिल बोले कि हो जाएगा, तो अभी देखते हैं। वेट वेट वेट, कैंसिल कर दो। और पेमेंट तो बोल रहे हैं कि हमें मिल जाएगा जितना हमारा पे आउट शो कर रहा था, तो अब कैंसिल होने का इंतज़ार करते हैं। लो लगता है हो गया, लगता है। क्या है भाई, जल्दी से कैंसिल करो ना। कैंसिल नहीं कर रहा यार। ये बार इसको हटा करके देखता हूँ। हाँ चलो, हो गया कैंसिल। आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक बता दिया, और इसका कुछ ऐड किया या नहीं अब ये तो मेरे को देखना पड़ेगा। ऑल ट्रिप इनकम्प्लीट बिफोर पिकअप, 20 रुपये इसका मिला, 20 रुपये। कोई नहीं, चलो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था हमें मिल गया। आज जो है ना गाइस, दिखाता हूँ मैं कितना मतलब ऑर्डर हमारा जो है कैंसिल हुआ है। पहला तो हमको जो मॉर्निंग में मिला वो कैंसिल हो गया था, फिर एक मैंने डिनाइल किया क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था, और तीसरा ये वाला जो अभी हुआ। बस अभी हम आपको वीडियो नहीं बता पाएंगे, अब लास्ट में मिलते हैं आपसे, क्योंकि कैमरा की बैटरी हो गई है पूरा लुल। ठीक है, मिलते हैं लास्ट में आपसे। देखो भाई कितना बड़ा दिक्कत हो गया, ये 35 रुपये के लिए फोर्थ फ्लोर पर सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ा। लिफ्ट है इस अपार्टमेंट में बट कोई काम का नहीं। 3.5 किलोमीटर हो गया डन। ये देखो कोई काम का नहीं भाई, लिफ्ट है बट ख़राब है। ऊपर चढ़ते थे हालत ख़राब हो जाती है। चलो ऑन कैमरा देखो, मतलब सॉरी मैं ऑन कैमरा बोलो, ऑन राइट। ठीक है, आपको अगर ऑफलाइन जाना है इस ऑर्डर के बाद, तो यहाँ पे देखो इमरजेंसी के बगल में एक एरो का साइन दिखेगा, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ से गो ऑफलाइन का ऑप्शन है, क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप। ठीक है, एंड यहाँ पे वो डिलीवर करता हूँ, रेटिंग डन। अभी देखना ऑफलाइन हो जाऊँगा मैं। हो जाओ 32, देखो ऑफलाइन हो गया ना। ठीक है, तो चलो हमारा जो ट्रिप था मैंने कंप्लीट कर दिया, बाकी अर्निंग घर जाके दिखाता हूँ। दोस्तों देखो मैं नेक्स्ट डे ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आ करके जो है ना चला गया था ओला का राजारहाट जो ऑफिस है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा आप लोगों को, बहुत बड़ा मतलब पंगा हो गया। ठीक है, तो छोड़ो इन सब बातों को, मैं जोमेटो का आपको अपडेट बता देता हूँ कितना क्या अर्निंग हो पाया, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने टोटल 9 ट्रिप किया, और जिसमें कि 6.5 घंटे मैंने काम किया, 6.7 आवर, एंड टोटल उसमें से 8 ऑर्डर हुआ। ऑर्डर और ट्रिप में डिफरेंस होती है गाइस, ट्रिप मतलब कैंसिल वगैरह सब वो टोटल काउंट करता है, ऑर्डर कंप्लीट वाला वो 8 महीने किया। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना 412 की अर्निंग हुई हमारी, जिसमें कि हमारा 20 रुपये जो है कस्टमर ने टिप दिया था, तो वो सब मिला करके 412 हमने किया 6.5 घंटे में। और गाइस मैं पेट्रोल कॉस्ट की अगर बात करूँ, तो पेट्रोल हमारा जो हुआ था ना, तो गाइस जो पेट्रोल हमारा हुआ था वो लगभग 53.8 किलोमीटर हमने जो है गाड़ी चलाया। ठीक है, ये 6.5 घंटे में इसका पेट्रोल कॉस्ट बनता है 107 रुपये, आप इसको 108 रुपये ऑन द एवरेज रख सकते हो। तो गाइस मैं बता देता हूँ 412, ठीक है, ये भी मैं पूरा माइनस कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने, 412.95 माइनस 107 रुपये, तो गाइस 305 रुपये हमारा बच रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो इससे बेस्ट मेरे को 6 घंटे में मैं जो करता हूँ लगभग लगभग पेट्रोल हटा करके 500 हो जाती है। ठीक है, बट ये जोमेटो में थोड़ी सी कम मेरे को लग रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना, और ओला स्कूटी को लेकर थोड़ी सी अपना पंगा हो गया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसका कुछ अलग मतलब हो गया लोचा, आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव सेफ योर लाइफ।